हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज का हमारा टॉपिक है स्टार डेल्टा स्टार्टर के 18 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स, 18 जिसमें पूरा स्टार डेल्टा स्टार्टर कवर होता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले क्वेश्चंस बता रहा हूँ, फिर मैं इसके आंसर दूंगा। पूरे वीडियो को वॉच करना, अगर आपने वीडियो पढ़ लिया तो कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। पहला क्वेश्चन है, स्टार डेल्टा स्टार्टर किसे कहते हैं, ये पहला क्वेश्चन है, मैं आंसर भी दूंगा। दूसरा क्वेश्चन है, स्टार डेल्टा स्टार्टर किस मोटर के लिए यूज होता है। तीसरा क्वेश्चन है, स्टार डेल्टा स्टार्टर कितने एचपी की मोटर के लिए यूज होता है। चौथा क्वेश्चन है, स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों यूज करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, स्टार डेल्टा स्टार्टर में ओवरलोड रिले कितने एम्पियर की लगानी चाहिए और कितने पे सेट करनी चाहिए। पांचवा क्वेश्चन, छठा, स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या काम है। सातवा क्वेश्चन, स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर सेटिंग वैल्यू किस आधार पर की जाती है। आठवां क्वेश्चन है, स्टार डेल्टा मोटर स्टार्टिंग में ज़्यादा एम्पियर क्यों लेती है। आठ नौवा क्वेश्चन है, स्टार कॉन्ट्रैक्टर, डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर और लाइन कॉन्ट्रैक्टर का रेटिंग का साइज किस आधार पर लिया जाता है। दसवां क्वेश्चन है, अगर स्टार डेल्टा मोटर स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट ना हो तो क्या होगा। ग्यारहवां क्वेश्चन है, स्टार डेल्टा मोटर स्टार से डेल्टा में आने पर ट्रिप क्यों होती है। बारहवां क्वेश्चन है, स्टार कॉन्ट्रैक्टर तथा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर एक साथ ऑन हो जाएं तो क्या होगा। स्टार डेल्टा मोटर का पावर फैक्टर कितना होता है। स्टार डेल्टा मोटर में हमिंग साउंड क्यों आती है। स्टार डेल्टा मोटर कितनी स्पीड के बाद डेल्टा में कन्वर्ट होती है। क्या स्टार डेल्टा स्टार्टर से मोटर की स्पीड कंट्रोल हो सकती है। स्टार कनेक्शन किसे कहते हैं और डेल्टा कनेक्शन किसे कहते हैं। ये टोटल 18 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, कुछ भी स्टार डेल्टा का इसमें से नहीं छूटेगा। अब मैं एक एक करके आंसर दूंगा, पूरे वीडियो को आप वॉच करना। अब आ जाओ इधर। पहले क्वेश्चन का आंसर, पहला क्वेश्चन था स्टार डेल्टा स्टार्टर किसे कहते हैं, तो उसका आंसर है वह स्टार्टर जिसके द्वारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर को पहले स्टार कनेक्शन में चलाते हैं, कुछ देर बाद डेल्टा कनेक्शन में चलाते हैं, उसे स्टार डेल्टा स्टार्टर कहते हैं। मतलब पहले स्टार कनेक्शन में, कुछ देर बाद डेल्टा में अगर मोटर जो चलाई जाती है जिस स्टार्टर से, उसे स्टार डेल्टा स्टार्टर। दूसरा आंसर, स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज, दूसरा क्वेश्चन था स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज किस मोटर के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज थ्री फेस इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए किया जाता है। आंसर नंबर तीन, स्टार डेल्टा स्टार्टर 5 HP और 5 HP से ज़्यादा की मोटर के चलाने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चार, स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों यूज करते हैं, उसका आंसर है थ्री फेस इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट लेती है क्योंकि स्लिप उस समय ना स्लिप 1 होती है और बैक EMF 0 होता है। स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए वोल्टेज को स्टार कनेक्शन के द्वारा कम किया जाता है जिससे एम्पियर भी कम हो जाता है। कुछ देर के बाद जैसे ही मोटर की स्पीड 70-80% आती है तो डेल्टा में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच, स्टार डेल्टा स्टार्टर में ओवरलोड रिले की एम्पियर रेटिंग कैसे डिसाइड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक मोटर ले ली, मान लो मोटर का एम्पियर है 10, तो उसे कहेंगे हम IL लाइन करंट। तो मैंने यहाँ से RY भी तीन फेज लिए, अगर मैं ओवरलोड रिले यहाँ लगाता हूँ अर्थात लाइन कॉन्ट्रैक्टर और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर से पहले, तो जो ओवरलोड रिले की सेटिंग होगी वो IL के हिसाब से होगी। यहाँ 10 एम्पियर है तो ओवरलोड रिले हम 10 एम्पियर के हिसाब से लगाएंगे। अगर ओवरलोड रिले
लाइन कॉन्टैक्टर के बाद या डेल्टा कॉन्टैक्टर के बाद लगती है, तो ओएलआर का जो एम्पियर आएगा वो आएगा आईएल बटे रूट थ्री बराबर 0.577 इंटू आईएल 0.577 इंटू 10 5.77 एम्पियर। इसका मतलब है कि अगर ओएलआर यहाँ लगेगी मान लो लाइन कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर से पहले तो आईएल के बराबर, और बाद में लगेगी तो आईएल बटे रूट थ्री के फॉर्मूला के हिसाब से। आंसर नंबर 6, टाइमर का यूज क्या है? तो टाइमर का यूज होता है स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना, स्टार टू डेल्टा। मतलब पहले मोटर स्टार में चलेगी फिर कुछ देर बाद डेल्टा में चलती है, तो हम इसलिए टाइमर लगाते हैं। आंसर नंबर 7, टाइमर की सेटिंग वैल्यू जैसे ही मोटर की जो स्पीड है, मोटर स्पीड 70-80% आ जाएगी तो टाइमर स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर देगा, और ये मोस्टली 10 सेकंड के नियर अबाउट रहता है। अगला क्वेश्चन, हाई एम्पियर इन स्टार्टिंग, मतलब स्टार डेल्टा मोटर स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट क्यों लेती है? तो ज़्यादा करंट लेने का कारण है कि स्टार्टिंग में बैक ईएमएफ 0 होता है और स्लिप 1 होती है। स्लिप 1 होने की वजह से स्टार्टिंग में मोटर ज़्यादा करंट ड्रॉ करती है। अगला, स्टार डेल्टा लाइन कॉन्ट्रैक्टर का साइज किस आधार पर डिसाइड करेंगे? मतलब स्टार कॉन्ट्रैक्टर का साइज, डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर का साइज और लाइन कॉन्ट्रैक्टर साइज। तो जितना एम्पियर हमारा आता है फेज करंट उसका डबल कर दो आप। जैसे मान लो हमारा टोटल एम्पियर 10 है तो फेज करंट के हिसाब से स्टार डेल्टा और लाइन में जाएगा 5.77, तो उसका डबल एम्पियर करके ले लो, और स्टार कॉन्ट्रैक्टर का साइज लाइन और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर से आधा रहता है, ये ध्यान रखना। आंसर नंबर 10, स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट ना हो तो क्या होगा? मतलब हमारी मोटर स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट ना हो तो क्या होगा? तो मोटर कंटिन्यूस स्टार में चलेगी और मोटर की ओवरऑल पावर रिड्यूस हो जाएगी। आंसर नंबर 11, स्टार से डेल्टा में आने पर मोटर ट्रिप क्यों होती है? तो स्टार से डेल्टा में आने पर ट्रिप इसलिए होती है कि मोटर का जो डेल्टा कनेक्शन है वो प्रॉपर नहीं बना हुआ, इसीलिए। स्टार कॉन्ट्रैक्टर डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर एक साथ ऑन हो जाएं तो क्या होगा? स्टार कॉन्ट्रैक्टर और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर अगर एक साथ ऑन हो जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। आंसर नंबर 13, स्टार डेल्टा मोटर का पावर फैक्टर फुल लोड पर नियर अबाउट 0.8 से 0.85 होता है। अगर हम मोटर को लोड कंडीशन कम कर देते हैं तो पावर फैक्टर भी रिड्यूस हो जाता है। ये फुल लोड की पावर फैक्टर कंडीशन है, लोड कम करेंगे तो पावर फैक्टर भी रिड्यूस होगा। आंसर नंबर 14, एक फेज हमिंग साउंड स्टार डेल्टा मोटर में हमिंग साउंड आती है, क्यों आती है? हमिंग साउंड आती है अचानक से एक फेज हमारा फेल हो जाए तो हमिंग साउंड आना स्टार्ट हो जाएगा, और मोटर ज़्यादा करंट भी लेगी और हमिंग साउंड आएगी। आंसर नंबर 15, मोर स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन कितनी स्पीड पे होता है? तो 70-80% स्पीड मोटर की आएगी, कन्वर्जन हो जाएगा। आंसर नंबर 16, क्या स्टार डेल्टा स्टार्टर से मोटर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, वो खाली स्टार्ट के लिए काम आता है। आंसर नंबर 17, स्टार कनेक्शन किसे कहते हैं? जब हम किसी भी मोटर की वाइंडिंग के एक तरफ के तीनों सिरों को न्यू स्टार पॉइंट बना दें, जैसे U2, V2, W2, और एक तरफ ये मोटर की वाइंडिंग है, एक तरफ हम सप्लाई दे दें, मान लो U1 पे R फेस, B1 पे हम दे देंगे Y फेस और W1 पे B फेस, तो उस कनेक्शन को कहते हैं स्टार कनेक्शन। और डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन में हम पहली वाइंडिंग का पहला सिरा दूसरी के आखिरी से, दूसरी का पहला तीसरी के आखिरी से, तीसरी का पहला पहली के आखिरी से कनेक्ट करते हैं, तो इसे कहते हैं हम डेल्टा कनेक्शन। अब इनका पूरा एक्सप्लेनेशन आगे बताएंगे। ये यहाँ तक मैंने स्टार डेल्टा के क्वेश्चन आपको 18 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको बताए। जो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें अगर ये आपको पसंद आया हो तो। बाकी हमारे प्रैक्टिकल कराते हैं, ज़्यादा फीस नहीं है,
और साथ में की पीएलसी हम कवर करते हैं, डेल्टा मिसुबिशी, सीमेंस, ओमरॉन, एलन बिल्ली, फानुक, स्नाइडर, बीएफडी, डेल्टा मिसुबिशी और तोशिबा और सीमेंस और सर्वो और स्टेपर, हाइड्रोलिक न्यूमेटिक, एचएमआई, सीमेंस की, डेल्टा मिसुबिशी, स्काडा, ये बहुत कोर्सेस हैं। उसका पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर्स हमारे हैं, इन पे आप संपर्क करें। अगर कोई विशेष मेरे से बात करनी हो तो ये नंबर देखो, ये नंबर्स हैं 9911448833, 9911448855, 9911448933, ये नंबर्स हैं। बाकी अगर मेरा नंबर आपको चाहिए, फीस की रिगार्डिंग वैसे नहीं है गोपाल सर, मेरा नंबर जो आपको है 9717209241। और पीएलसी प्रोग्रामिंग जो मॉड्यूल वन है पीएलसी प्रोग्रामिंग का, उसकी फ़ीस 5000 है, जिसमें सभी में की पीएलसी, एचएमआई, स्काडा आ जाता है। 1000 रुपये और देंगे आप, वीएफडी, सर्वो, स्टेपर आ जाती है, तो ऐसे करके 6000 हो जाता है। ऐसे करके तो हाइड्रोलिक न्यूमेटिक और एक कुछ चीज़ें और आप करते हैं तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा कॉस्ट में अंतर नहीं आएगा, 7000 लास्ट होता है। बहुत इसमें बहुत चीज़ें हैं, ऑटो गाइड, इलेक्ट्रिकल भी हम कराते हैं, सब तरीके से, मतलब ओवरऑल टोटल हम कवर करते हैं, सीएनसी मेंटेनेंस भी कराते हैं। तो बाकी सब डिटेल आपको मिल जाएगी, डिटेल पूरा फीस स्ट्रक्चर आप देख पाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।